किसान भाइयों बहनों, भारत सरकार ने उनसे खाद्यान्न खरीदने के लिए पैसे दिए। उनका काम था किसानों से ये खाद्यान्न खरीदना, उनके अगर दाम गिरते हैं तो उसको रोकना, पैसा भारत सरकार ने दिया। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, अभी भी करीब करीब 50-55 करोड़ रुपया बिना खर्च किए वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर किसानों के प्रति ये संवेदनशील सरकार होती तो ये रुपये खजाने में पड़े नहीं होते। भाइयों बहनों, हमारे देश के बच्चों का स्वास्थ्य, हमारी माताओं बहनों का स्वास्थ्य, और इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। अगर हमारे देश का बचपन तंदुरुस्त होगा तो मेरा भारत भी तंदुरुस्त बनेगा। हमारे देश की माताएं बहनें, वे अगर तंदुरुस्त होगी तो उनके पैदा होने वाले संतान भी तंदुरुस्त होंगे, परिवार का वातावरण भी तंदुरुस्त होगा। उसके लिए उनको पैसे दिए, आप हैरान हो जाएंगे। अरे कोई बीमार होता है और उसके पास पैसा नहीं तो पड़ोसी जाकर के पैसा देता है। लेकिन यहां एक ऐसी सरकार बनी है, भारत सरकार के पैसे देने के बावजूद भी 500 करोड़ रुपया अभी भी बिना खर्च किए ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो सरकार में केंद्र के द्वारा सामान्य मानवी के तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए पैसा दिया गया, उसको भी खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है। उसके दिल में आपके प्रति संवेदना होगी कि नहीं होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। भाइयों बहनों, शिक्षा, हर कोई कहता है, गरीब से गरीब को पूछो, आप एक ड्राइवर से पूछिए, आप एक मजदूर से पूछिए, आप एक ऑटो रिक्शा वाले से पूछिए, उसको पूछिए आपकी इच्छा क्या है, वो कहेगा बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसकी इच्छा रहती है। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, 400 करोड़ रुपया अभी भी बिना खर्च को पड़ा हुआ है। ऐसी नाकामी सरकार, नाकाम करने वाली सरकार। भाइयों बहनों, टेक्निकल एजुकेशन, आज टेक्निकल एजुकेशन का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। करीब करीब 80-90 करोड़ रुपया वो भी बिना खर्च किए पड़ा हुआ है।